नया दिन है सुहाना घर नहीं है जाना और हमको है बहुत सारा पढ़ाना वाह 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 ग्रेट हम लोग कर रहे हैं एनिमल किंगडम और हमारा ये तीसरा सेशन है ठीक है क्लास इलेवन का एनिमल किंगडम और तीसरा सेशन है है ना इसका मतलब क्या है ऑलरेडी दो सेशन हम कर चुके हैं ठीक है पहले हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था कि क्या क्या हैं जिसके बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं सेकेंड क्लास में हमने देखा था भैया पोरीफेरा है ना नाइडेरिया टीनोफोरा और प्लाटियल के बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी आज हम एस्किल एनलिडा और मोलस्का सबके बारे में जीवन के बारे में जानेंगे और हमारा वादा है गाइज आप बस एक बार मेरे साथ ये चैप्टर कर लो आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है स्टडी विद मी हैव फन फॉर ऑलवेज एक बार पढ़ लो और जिंदगी में आराम ही आराम क्या कहते बच्चो वेरी गुड बेटा तो जीवन में थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर वंडरफुल विशेष गाइज हमें यू you नो know, क्या कहते हैं uh, अध्यापक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं मिली आप लोगों से ठीक है सो थैंक यू फॉर सच विशेस है ना आई लॉट्स लॉट्स एंड ऑफ मेल सब का रिप्लाई कर ही नहीं पाया है ना तो बहुत सारी चीजें थी थैंक यू गाइज फॉर सच वंडरफुल यू नो शोइंग सो मच लव ठीक है चलो हाँ बेटा तो बच्चों जीवन में बहुत ही ज्यादा चीजें तेज तेज चलने लगी है स्कूल्स खुलने लग गए हैं ठीक है और हम आपको पढ़ाते हैं <laughs> आगे बच्चे अरे अध्यापक दिवस का हमारे वेदांतों में एक बहुत ही ज्यादा ऑफ है बेटा क्लास सीबीएसई का सी बी एस ई का क्लास लेवन का टर्म वन का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है ठीक है उसका प्राइस था सिक्सटी थ्री हंड्रेड बट बिकॉज ऑफ दिस टीचर्स डे है ना बेटा द कोर्स इज अवेलेबल फॉर फाइव थाउजेंड रुपीज

ठीक है, कोड ए आर ए प्रो ठीक है, जो प्रो है, बेटा, वो, 1300 रुपीस का है. वो तो सबसे अच्छा है ठीक है थर्टीन हंड्रेड रुपीज में यू विल गेट एक्सेस टू वन मंथ मैं तो कहता हूं एक इसको आप ले लो और पूरा पढ़ डालो एक ही महीने में सारा चार्ट जाओ समझ लो क्या क्या चाहता हूं मैं तो मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ इट हियर ऑल्सो ए आर ए प्रो यू कैन यूज द कोड ए आर ए प्रो समझ रहे फर्क क्या है टर्म वन क्रैश कोर्स सिर्फ उस बैच में होगा जो बस आपका टर्म वन के बाद खत्म हो जाएगा ठीक है ये जो थर्टीन हंड्रेड वाला है वो फाइव थाउजेंड रुपीज का है यह थर्टीन हंड्रेड वाला है इसमें आपको नॉर्मल रेगुलर बैच में जा लोगे जिसमें टर्म वन और टर्म टू के बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा मतलब दिस इज अयर लॉन्ग कोर्स ये आप ट्राई कर सकते हो एक महीने का अट थर्टीन हंड्रेड रुपीज ठीक है तो आप देख लेना क्या आपको यू नो सूट करता है एंड इट इज वैलिड फॉर आज के छ और सात दो दिन वैलिड है तो जितने भी जल्दी है बेटा आई वुड से कि एक बार लेके एक्सपीरियंस कर लेना इसको ठीक है एक्सपीरियंस इट एट देन बेटा नाइनटी नाइन ये हमारे भैया जेई के रिजल्ट है बहुत ही अमेजिंग है हम बता बता के थक चुके हैं अब हम आगे जा रहे हैं इसलिए हम और नहीं बताएंगे ये हमारे एन के रिजल्ट हैं ये भी हम बता बता के थक चुके हैं बहुत ही अच्छे बच्चे हैं हमारे वेदांतु के बच्चे वेदन बच्चे उन्होंने रॉक कर रखा है हर जगह ठीक है वेरी गुड स्काई इज प्राउड स्काशन बेटा स्काई स्काई ने लास्ट टाइम में बहुत ही बढ़िया टॉप करा हमारा मेंटी आज फिर से मेंटी करेंगे ठीक है तो so लाइफ में आगे चलते हैं वेरी गुड तो ये हमारा सवाल था होमवर्क वा वाटर स्पॉन्जेस सेलेक्ट द फॉलोइंग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन है फ्रेश हमारा स्पॉन्ज जो है वो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज ठीक है देखते हैं ये प्रज्ञा प्रमिता रॉल इन्होंने आंसर करा था थैंक यू बेटा इकरा खान पठान थैंक यू बेटा अच्छा माय टीचिंग मेथड इज डिफरेंट एंड वेरी इफेक्टिव दैट वी कैन ग्रास कॉन्सेप्ट इजिली थैंक यू बेटा देन यह है हमारे परमीत सिंह वेरी गुड बेटा परमीत सिंह बहुत ही बच्चा परमीत सिंह ने देखो पूरा समरी लिखी है तो परमीत सिंह को याद भी हो गया होगा यह सृष्टि गोष्ठी सृष्टि गोष्ठी कहती है टीचिंग सर सो सो गुड थैंक यू फॉर टीचिंग अस थैंक यू बेटा सृष्टि जीवन में आगे बढ़ते हुए बेटा मैंने बताया है, आज चल रहा है पचास प्रतिशत ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ ठीक है टर्म वन का क्रैश कोर्स है क्रैश कोर्स टर्म वन पे बहुत ही ज्यादा फोकस करके टर्म वन पे तैयारी करी जाएगी जिन बच्चों को लगता है जीवन तबाह हो चुका है ग्यारहवीं बर्बाद हो चुकी है ठीक है ये उन लोगों के लिए है है ठीक जिन्हें लगता हमारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता नीट तो छोड़ो भगवान स्कूल पास करवा दे ठीक है तो उन लोगों के लिए टर्म वन क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर फाइव थाउजेंड रुपीज ठीक है इफ यू यूज द कोड ए आर ए प्रो ठीक है फिर एक और है एक और कोर्स है जो लॉन्ग टर्म कोर्स है विच इज फॉर टर्म वन एंड टर्म टू इसका वन मंथ का सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर थर्टीन हंड्रेड रुपीज ठीक है बेटा इसका वन मंथ सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर थर्टीन हंड्रेड मतलब ये एक महीने का है दिस इज फॉर फाइव थाउजेंड फॉर ऑलमोस्ट थ्री मंथ ठीक है दोनों में टेस्ट लाइव क्लासेस टेस्ट असाइनमेंट नोट्स वगैरह सब मिलेगा ठीक है तो अब अकॉर्डिंगली चेक कर लो जिसको बस ट्राई करना है जो चाहता है कि लॉन्ग टर्म भी पढ़ना चाहता है तो आई वुड से गो फॉर दिस वन तेरह सौ रुपए में एक बार एक्सपीरियंस कर लो जो जिसको कभी मौका ही नहीं मिला वेदांतों का प्लेटफॉर्म यूज करने का एक्सपीरियंस करो एक बार आके यू वुड लव इट नहीं तो आप ये भी ले सकते हो अगर आपको लगता है नैया तो डूब डूबी चुकी है पूरी नैया को बचाना है तो <laughs> ये कर लो ठीक है चलो और आज या कल में कर लेना ठीक है बाद में नहीं तो जीवन में महंगा महंगाई बढ़ जाती है आगे चलते हैं वेरी गुड तो बेटा आज है ना हम थोड़ा आगे चलेंगे हमने आई गेस प्लेटी हेलमेंट तक पढ़ाई कर ली थी इफ आई एम नॉट रॉंग एस्केलमिन्थेस से हमें स्टार्ट करना है ठीक है याद है पोरीफेरा स्पॉन्जेस दूसरे थे नाइडेरिया जेलीफिश वगैरह मेडुसा पॉलिप फिर तीसरे थे टीनोफोरा बायोलुमिनिसेंट चौथे थे हमारे प्लैटी हेल्मिन्थेस जो कि चपटे थे फेरा चपटे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बच्चों बस उनका एक-एक मतलब दिमाग में ना एक-एक बना लो पोरीफेरा का अच्छा ये है है ना नाइडेरिया अच्छा ये है सीलेंट्रेटा ये है टीनोफोरा अच्छा ये है मतलब दिमाग में एक एक एग्जाम्पल का ना वो दिमाग में वो पिक्चर बना लो बस जीवन आसान हो जाएगा समझ रहे हो टेप वर बेटा, वर्म बेटा टेप की तरह होता है आगे पीछे से चपटा ठीक है समझे बेटा अमन कुमार यस चले जीवन में आगे बढ़े चलो हमारी वीडियो को लाइक कर लो सब्सक्राइब कर लो है ना बच्चों चलो तो जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है प्लीज देखना है ना मैं बार बार बताना चालू करता हूं फिर मैं बताते रह जाता हूं फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते तो आज हम आगे बढ़ते हैं एसखिल मिन्तिस बेटा पहले इसका कैरेक्टर बता दो एसखिल मिन्तिस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है यह है भैया सुडो सिलोमेट ठीक है यस है ना बेटा दीज आर सूडो सिलोमेट ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका है ना

फ्लैटियलमिंथिस जिसके पास बॉडी कैविटी नहीं है फिर है एसखिल मिंथिस जिसके पास नकली कैविटी है और तीसरा आता है एनालिडा जिसके पास असली कैविटी है समझ गए ये तीन याद कर लेना इनमें से सवाल जरूर आएगा जीवन में हम बता रहे हैं ठीक है तो नकली वाली किसके पास है बीच वाले भाई के पास है एसखिल मिंथिस के पास ठीक है ये या हमेशा याद रखना चलो आगे देख लेते हैं है ना तो ये एसखिल मिंथिस बेटा ये जब भी आपके दिमाग में आए तो आपको याद करना चाहिए पेट वाले कीड़े किसी के पेट में कीड़े हुए हैं बचपन में मेरे हो गए थे मतलब सबके होते हैं जो मिट्टी खाते हैं बच्चे सबके पेट में कीड़े होते हैं मम्मी कहती है कि इसके मतलब आपस में बातें चलती हैं मम्मियों की कि इसके पेट में भी कीड़े हो रखे हैं मेरे बच्चे के भी कीड़े हो रखे हैं फिर मम्मी आपस में दवाइयाँ डिस्कस करती हैं कि ये वाला दवाई खिलाओ इसके पेट के कीड़े दूर हो जाएंगे तो ऐसा सबके साथ होता है ठीक है तो ये वो वाले होते हैं ठीक है ट्राई टू रिलेट इट ठीक है तो ट्राई टू रिलेट इट तो वैसा है सब जीवन में है ये सारी चीज हमारे जीवन में होती हैं है ना तो ये वही वाले कीड़े हैं जो पेट में होते हैं ठीक है तो, तो ना एक एक मेरी मम्मी की फ्रेंड थी तो उनका बेटा था ठीक है तो तो उसकी मम्मी कहती कि इसके पेट में इतना बड़ा कीड़ा था इतना बड़ा कीड़ा निकला मैंने कहा इतना बड़ा तो मेरी मम्मी घबरा गई मतलब इतना बड़ा कीड़ा ऐसा उन्होंने बोला पता नहीं क्या था सच्चाई क्या थी मतलब मुझे समझ नहीं आया बट था ठीक है तो मेरे को तब से याद है कि मम्मी बात करते ठीक है बेटा अपने हाथ वाथ धो के खाना वाना खाया करो तो आगे चलते हैं लाइफ में तो जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ मेरे को वो याद आ जाता है ठीक है समझ गए तो ये कौन से है नकली इनके पास नकली कीड़े होते हैं ये ठीक है ठीके? तो ये क्या है बेटा इनको सर्कुलर वर्म राउंड वर्म कहते हैं वो फ्लैट वर्म है यह है राउंड ठीक है इसके इसका बड़ा भाई कौन है फ्लैट हेलमेंट वो क्या है वो है फ्लैट यह है राउंड ठीक है ये Then, ये राउंड वर्म कहलाते हैं ठीक है सर देन ये फ्री लिविंग अक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक फ्री लिविंग मतलब अपना अलग से जी सकते हैं पानी में रहते हैं ग्राउंड पे रहते हैं पैरासाइट की तरह प्लांट और एनिमल के अंदर रहते हैं ठीक है थीके? ऐसा है इनका सिस्टम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ

ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो जाता है समझे <laughs> जैसे ही जीवन में बॉडी कैविटी आती है ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है ठीक है हमारे प्लेटियल था उसमें ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए थे उसके ऊपर ऑर्गन थे।, थे नहीं थे उनमें ऑर्गन उनमें टिश्यू थे बस समझे वेरी गुड अब ये फिर से भैया सिमेट्रिकल जैसे ही तीन लेयर बनना शुरू होते हैं ट्रिपलो होते हैं जीवन में सब फिर होने लगते हैं ठीक है चलो आगे चलते हैं बट अब देखो इनकी जो फीमेल्स हैं दे आर दे मतलब देखो मेल बेचारा छोटू सा फीमेल लंबी है ना तो इसको कहते हैं बेटा सेक्सुअल डाइमोरफिज सेक्सुअल डायमोरफिज क्या होता है देयर इज अ अ विजिबल विजिबल चेंज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड अ फीमेल समझ रहे हो अब इन दोनों को मैंने आपके आसपास रख दिया तो आप खुद ही बता दो छोटू है तो ये मेल है ये बड़ा है तो ये फीमेल है समझ रहे हो ऐसी कहते हैं हम सेक्सुअल यू कैन क्लियरली डिफाइन मेल एंड अ फीमेल ठीक है चलो बहुत ही आसान है जीवन में आगे बढ़ते हुए फिर से हम हमने बताया था भैया ये तो सीलो सूडो सिलोमेट है और ऑर्गन सिस्टम आ गया तो ऑब्वियसली ट्रिपलो है एलिमेंट्री केनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स एलिमेंट्री केनाल पूरा डेवलप्ड है मस्कुलर फैरिंग्स फैरिंग जो है मस्कुलर वाला ठीक है भैया एक्सक्रीटरी ट्रूब ट्यूब रिमूव वेस्ट फ्रॉम द कैटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर इसके अंदर क्या है बेटा एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक्सक्रीटरी पोर से रिमूव करती है बॉडी में ठीक है सर सेपरेट सेक्सेस है मेल अलग है फीमेल अलग है है ना बेटा चलो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट और इनडायरेक्ट फर्टिलाइजन क्या बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट क्या है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब क्या होता है मतलब बेबी एकदम सेम जैसे कि ह्यूमन बेबी होता है ह्यूमन बेबी होता है ना बेटा जब छोटा ह्यूमन बेबी देखो तो वो सेम ही लगता है उसके दो हाथ दो आँख दो कान है ना ऐसे ही होते हैं बट मेंढक देखा मेंढक में लाइक फ्रॉग फ्रॉग में क्या होता है फ्रॉग का पहले लार्वा बनता है फिर सडनली वो क्या बन जाता है वो फ्रॉग बन जाता है सिमिलरली कैटरपिलर कैटरपिलर से वो बटरफ्लाई बन जाता है तो लार्वा से अडल्ट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं समझे अगर ह्यूमन बेबी का बड़े होकर पूछ निकल गई तब उसको इनडायरेक्ट कहेंगे आई एन वेरी बैड एग्जाम्पल बट स्टिल समझ आ गई बच्चे चलो चलो आगे चलते हैं एग्जाम्पल बेटा एसकैरिस ठीक है राउंड वर्म वुचे एरिया फिलेरियल वर्म एनसाइक्लोस्टोमा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अरे यार अरे यार बेटा ध्यान से देखो ये जो एस्कैरिस है ना ये पेट का कीड़ा है जो पेट में होता है ठीक है ये वुचे एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एलिफेंटियासिस डिसीज कॉज करता है कौन सा डिसीज मतलब हाथी पाओ पैर स्वेल कर जाता है ठीक है Then, hookworm, ये भी एक होता है समझ आ गया एग्जाम्पल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या, क्या example है एसकेरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा ठीक है बच्चे अब अब, अब बेटा जब भी भी आप कोई भी पढ़े ना उसको रिलेट करा करो कि ये तीनों फोरा से कैसे डिफरेंट है प्लैटियल मिंथी से क्या इसमें एडवांसमेंट हुई है अब देखो अब इसका इसका बड़ा इसके हम और छोटे भाई के बारे में बात करेंगे ऐस्केल्मिंस का ऐनेलिडा अब आप देखना कि इससे ऐनेलिडा में क्या-क्या एडवांसमेंट -क्या हुई है समझ रहे हो कैसे पढ़ना है इसको ठीक है चलो आगे चला जाए आ गया हमारा ऐनेलिडा ठीक है ई कौन है ई अर्थवम वाला है कौन सा ग्रुप है अर्थवम बड़ा देखो जो पेट के कीड़े होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं

सीलोम आ गया तो उसमें क्या हो गया ऑर्गन सिस्टम तो आ गया वो बाइलेटलिक हो गए ट्रिप्रो हो गए ठीक है अब देखो नाउ दे ना देगी मतलब इनके अंदर बेटा क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे मसल्स होते हैं पूरी बॉडी में मतलब आप देखो आपने देखा है वो स्टील की रॉड लगाते हैं पिलर बनाते हैं जब आपको नया घर बनाते हो तो स्टील की रॉड के पिलर्स लगाते हो, है ना? स्टील की रॉड के पिलर्स लगते हैं पिलर्स लगते हैं, तो एक तो ऐसे लॉन्ग लॉन्ग लगते हैं और बीच में ऐसे ऐसे स्क्वायर वाले भी डालते हैं हा कि ना देखा है आपने जब वो पिलर्स बनाते हैं तो ये ऐसे ऐसे तो लगाते हैं चार और ये ऐसे ऐसे भी लगाते हैं क्यों ताकि वो स्ट्रांगली खड़े रहे है ना आयरन रॉड है ना तो सिमिलरली आप एक एनलिडा की बॉडी एक्सपेक्ट इमेजिन करो कि ऐसे ऐसे मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स भी हैं है ना और ये दोनों मसल्स क्या कर रहे हैं कितना चीज बता रहा हूं अर्थवर्म को इमेजिन करो तुम्हें वाह अर्थवर्म नेक्स्ट टाइम किसी अर्थवर्म को कुचलने से पहले तुम ये सब सोचना ठीक है <laughs> ये सब में आते हैं ठीक है बेटा क्या क्या नेरेस ये वाली देखा होगा ये वाला कीड़ा आपने देखा होगा देखा है ना बारिशों के टाइम पे ये घूमता है देन ये एरिया ब्लड सकिंग बीच ये भी आपने देखा होगा यस yes. चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं है ना देखो बेटा लेटरल अपेंडिज कॉल्ड एज पैरापोडिया व्हिच हेल्प इन स्विमिंग लेटरल क्या होता है लेटरल होता है साइड आर साइड अपेंडेजिस मतलब ज्वाइंट साइड में अगर आप देखोगे बेटा इनके ये देखो ये दिख रहे हैं हैं इसको कहते हम पैरापोडिया क्या कहते हैं पैरापोडिया है. अमीबा में होता है ठीक है पैरापोडिया तो पैरापोडिया क्या करता है ये हेल्प करता है हमारे स्विमिंग इस, करने में इसको स्विमिंग करने में ये हेल्प करता है हमारा ठीक है समझ गए है ना क्या लिखोगे पैरापोडिया है ना बेटा बेटा करो करो और करो जल्दी से सर बहुत मेहनत से, <laughs> से पढ़ा रहे रहे हैं हैं सर बहुत मेहनत से पढ़ा एरिया और ब्लड सकिंग लीच जीवन में आगे बढ़ते हुए ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट ठीक है कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज है ठीक क्लोज है मतलब जो ब्लड है और जो फ्लूड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता नेफ्रीडिया अब देखो एक्सक्रीशन इसका बढ़ता जा रहा है मतलब नेफ्रीडिया आपको याद है नेफ्रॉन नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन किससे बना होगा सोचो बताओ नेफ्रॉन और नेफ्रीडिया में कुछ सिमिलैरिटी लग रही है स्पेलिंग की <laughs> तो जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रीडिया से ही इवॉल्व होके बना है Help in osmoregulation and excretion. Nephridia helps in osmoregulation and ex osmoregulation maintenance of water and ionic balance. Now, neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. Very good. Abkya Yeah, neural system consists of a paired ganglia connected by लेटरल नर्व ऑन द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनका देखो ये ऐसे होते हैं गैंगलिया मतलब कलेक्शन ऑफ न्यूरो कनेक्टेड होते हैं ऐसे समझ रहे हो इनकी पूरी बॉडी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहां है डोर्सल साइड पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहा है डॉर्सल साइड पे इनका स्पाइनल कॉर्ड कहां होता है वेंट्रल आगे की तरफ होता है कहां पे आगे की तरफ समझ रहे हो वेंट्रल साइड पे साइड में जो बड़े बड़े नर्व कॉर्ड जा रहे हैं और ये दोनों कनेक्टेड हैं ऐसे ऐसे लेट के चलता हूं तो मतलब काश मैं सुपर इमेजिन करो मैं सुपरमैन की तरह से उड़ रहा हूं ठीक है तो जो नर्व कॉर्ड है मेरी वो यहां पे है साइड में नर्व कॉर्ड है और ये बीच में ऐसे कनेक्टेड है ठीक है अब तो बड़ी जल्दी समझ आ जाना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस से समझ आया आ गया होगा मेरे ख्याल से अब तो यस लाइक वीडियो दीडियो सब्सक्राइब टू चैनल समझ आ गया जरूर आ जाना चाहिए आ गया ना समझ में हाँ पैरापोडिया के साइड में यस वेरी गुड वाह क्या बात है <laughs> मैं तो बोल मैं रहा हूँ वालों को ना मेरे को ना एक, एक वो दे दो क्या कहते हैं

ग्रेट आगे चले वेरी गुड बेटा देखो मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मेंटली आपको पता होना चाहिए कि देखो जब भी आप ऐसा देखो नेरेस, लीच अर्थवम आपको एकदम से चमकना चाहिए तो ये तो एनलिडा का पार्ट है समझ रहे हो जब भी आप देखो कि हाँ ठीक है जब भी आप देखो एस कैरिस एंड साइक्लोस्टोमा आपको ये तो एसखिल का पार्ट है है ना बेटा टेप वर्म ये सब देखो प्लेनेरिया ये सब देखो तो आपको लग रहा है ये तो का पार्ट है ठीक है ऐसा होना चाहिए बच्चों अब आ जाते हैं हमारे कीड़े मकौड़ों के बारे में बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा कौन से पोड़े हैं ऑर्थ्रोपोडा <laughs> तो ऑर्थ्रोपोडा क्या लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है जहां देखो कीड़े ही कीड़े मतलब तो मैं क्या ही बताऊं मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ कॉकरोच सबसे ज्यादा है ना टू थर्ड ऑफ द ऑल नेम स्पीशीज आर दीज थर्ड कीड़े हैं दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलेट्रल सिमेट्री ट्रिपलो प्लास्टिक बेटा ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप एनिडा के बारे में बात करो ठीक है दे आर दस सेगमेंटेड वर्म ठीक है दे आर सेगमेंटेड

सेगमेंटेड एंड सीलोमेट ऑर्थ्रोपोडा इज आल्सो सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स आगे देखते हैं ना द बॉडी ऑफ ऑर्थ्रोपोडा इज काइटिनस एक्सोस्केलेटन। आपने देखा कॉकरोच बहुत क्रंची सा होता है कॉकरोच क्या आप एक्सप्रेस के देखो वो क्रंची से होती है उसको पिचका क्रंची सा होता है ठीक है कॉकरोच हो गया कोई भी कीड़ा हो गया वो क्रंची सा होता है थोड़ा बाहर से है ना प्रॉन ही देख लो प्रॉन अगर आपने खाए हो तो ना क्रंची से होते हैं थोड़े से है ना अगर आपने ग्रास होपर को मारा हो कभी जीवन में तो वो थोड़े क्रंची से होते हैं है ना ना बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड थोर देखो बेटा इनकी बॉडी में क्या मतलब मतलब होता है और एपडोम मतलब हेड थोरैक्स मतलब क्या होता है जहां पर लंग्स होते हैं उसको कैविटी कहते हैं है ना abdomen मतलब जहां पे एब्स होती है क्या होती है बेटा हेड सर थोरैक्स मतलब लंग्स एपडोम मतलब एब्स वो वाला एरिया ठीक है तो तीन एरिया गए

ऐसा हो मतलब तो करा तो सब नहीं होगा मेरे ख्याल से एक मच्छर को मार के कभी उसके पैर एक एक करके निकाले तुम लोगों ने आई नो साउंड कहते हैं तो वैसा कुछ ठीक है तो, मतलब जॉइंटेड लेग्स okay, जिनका लेग आराम ज्वाइंट है ये यार सब करते हैं मच्छर को तो मतलब मच्छर मतलब, देखो डेंगू वेंगू मलेरिया मलेरिया करते हैं ना? तो उसको मार के मतलब इसके पंख मतलब छोड़ो ज़्यादा ही ये, 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 आगे चलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं गिल्स होते हैं बुक गिल्स होते हैं बुक लंग होते हैं ट्रकियल सिस्टम होती ऑल था, था? यस दीज आर ऑल यस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है बेटा गिल्स बुक गिल्स बुक लंग्स ट्रकियल सिस्टम अब देखोगे ना बेटा देखो अब ध्यान से देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है और वो यू you नो know, क्या कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एयर वगैरह करते हैं तो इनसे गिल्स डेवलप हुए होंगे बुक लंग से हमारे लंग्स डेवलप होंगे फ्यूचर में ट्रकियल टी सिस्टम से ऑब्वियसली जाके ट्रकिया डेवलप होगा समझ हो ये एवोल्यूशन का पार्ट है बेटा सब धीरे धीरे वेरी गुड बेटा आगे चलो एक बच्चा कह रहा है जब से बायो लिए तब से कॉकरोच का ऑपरेशन करने का मन कर रहा है मेरे को लगा तब से कॉकरोच खाने का मन कर रहा है <laughs> चलो बेटा खावा मत लेना ठीक है कॉकरोच कॉकरोच हाँ चलो आगे चलते हैं कि सर ने बोला था क्रंची होता है एक बार देखें तो सही क्रंची तो नहीं है ठीक है ऐसा मत करना <laughs> आगे चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप ओपन मतलब बेटा था फ्लूड फ्लो थ्रू द ओपन सिस्टम मतलब ब्लड वेसल्स नहीं होती सेंसरी क्या है एंटेनि है आईज है स्टेटोसिस्ट और बैलेंस देखो बेटा पास एंटेना होता है ठीक है आईज होते हैं आईज क्या होता है कंपाउंड आईज मतलब होता है एक बड़ी सी आई में छोटे छोटे आईज इसको हम कंपाउंड आई कहते हैं ठीक है थेके? और हमारी सिंपल आई अगर आपने मक्खी देखी होगी कोई मक्खी तो उसकी आईज ऐसी होती है कंपाउंड आई होती है अगर आप मक्खी देखोगे तो मक्खी की कंपाउंड आई होती है ऐसी है ना बेटा देन बैलेंस के लिए क्या होता है स्टेटोसिस्ट स्टेटोसिस्ट इज फॉर बैलेंस एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैल बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन थोड़ा सा याद कर लेना ठीक है इन पे सवाल आता है ठीक है दे आर मोस्टली डाइशियस डाइशियस मतलब मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना मतलब मेल अलग है फीमेल ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म पे होता है फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल कैसा फर्टिलाइजेशन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है दे आर मोस्टली ओवी पैरस ओवी पैरस मतलब एग लेंग डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब हैविंग अ लारवा स्टेज देन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हनी बी बॉम्बिक्स और सिल्वर लाक्सी लाक इंसेक्ट ठीक है. मतलब है ये सब इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स एनोफिलिस क्यूलेक्स वेक्टर मतलब ये ये करते हैं कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं है ना क्या करते हैं मलेरिया वाला क्या करता है हमारा मलेरिया का प्रोटोजोआ को लाके हमारी बॉडी में ड्रॉप करता है बहुत खराब है ठीक है ऐसी हरकतें करता है ये तो ये क्यूलेक्स ये सब क्या करते हैं बेटा डिसीज कॉजिंग एजेंट्स हैं ियस पेस्ट ग्रिगेरियस पेस्ट क्या होता है बेटा ग्रगेरियस मतलब एक साथ बहुत सारे आ जाते हैं टिड्डी मतलब अगर आपने देखा होगा आई गेस लास्ट ईयर अभी पिछले चार पांच महीने पहले राजस्थान उस एरिया में लोकस्ट अटैक हो गया था याद है आप लोगों को बहुत सारे टिड्डियां आ गई थी टिड्डी like, you know, ग्रीन कलर का होता है ये लोकस्ट ना ब्राउनिश कलर का होता है याद है बच्चा आप लोगों ने देखा था हाँ तो मतलब ये एक साथ आते हैं बहुत सारे आते हैं और जब ये आते हैं ना तो क्या करते हैं बेटा मतलब ये क्रॉप्स को खा जाते हैं मतलब बहुत सारे मतलब ग्रेगेरियस मतलब एक साथ हजारों करोड़ लाखों में आते हैं दैट इज ग्रेगेरियस ग्रगेरियसुलस और किंग क्रैब इज अ लिविंग फॉजिल ये लिविंग फॉजिल है मतलब ये बहुत ही पुराना है ठीक है याद रखना है एग्जाम्पल बॉम्बिक्स लैकवर्म हनी बी है ना ये क्या है ये वेक्टर्स हैं ये क्या है पेस्ट है ये लिविंग फॉजिल ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एंड बेटा एग्जाम्पल प्रॉन लोगों को लगता है प्रॉन और स्कॉर्पियन ये कम अंडर ऑर्थ्रोपोडा ठीक है ऑर्थ्रोपोडा में आता है प्रॉन याद रखना प्रॉन को फिश में, में डाल देना नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ बेटा मोलस्का मोलस्का जब भी देखो क्या सोचना चाहिए आपको स्नेल वगैरह आपको सॉफ्ट बॉडी स्नेल स्नेल ऑक्टोपस वगैरह हमारे मोलस्का में आते है. हैं मोलस्का ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल योर लाइफ आई विन टेलिंग इट अगेन एंड अगेन इट इज नील से जिंदगी में रैंक टू है और रैंक वन है ये रैंक टू है दे कैन बी अगेन टेरेस्ट्रियल और मुलस्का टेरेस्ट्रियल और मरीन और फ्रेश वॉटर

अनसेगमेंटेड हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प देखो ये देखो स्नेल दिखा दो मैं ये स्नेल है बेटा ये स्नेल होता है ठीक है बेटा ये उसका हो गया हेड है ना ये होता है विसरल हम्प ये वाला रीजन हम्प है यहां पे इसके सारे ऑर्गन्स होते हैं फिर ये नीचे का जो ये है ना इसको कहते हैं मस्कुलर फुट ये इसको हेल्प करता है मूवमेंट में तो जो भी मोलस्का है बेटा इसकी तीन पार्ट्स होते हैं हेड विसरल हंप पीछे वाला और मस्कुलर फुट जो पैर वाला ठीक है दीस आर थ्री पार्ट्स ऑर्थ्रोपोडा का हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन है ना ऑर्थोपोडा का नाउ अ सॉफ्ट स्पोंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स द मेंटल ओवर विसरल हंप सॉफ्ट एंड स्पोंजी लेयर ऑफ स्किन

फीडिंग ऑर्गन चबाने के लिए और कलेक्ट करने के लिए रेड्यूला है radula characteristic of Mouth में एक है जो कि करता है. Diceous, again, ये क्या है डाइशियस मेल एंड सेपरेट सेपरेट ओवी पैरस एगलेइंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है पहले लार्वा बनता है फिर डेवलप होते हैं एग्जाम्पल पीला पिंग टाड़ा सेपिया लोलीगो ऑक्टोपस एपलीसिया सी सी है डेंटालियम एंड खे थो प्लेरा बेटा एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है पीला और पिंक टाड़ा तो याद कर लेना ठीक है लोलीगो सेपिया ऑक्टोपस भी हो जाएगा अपलीसिया डेंटालियम डेंटालियम याद कर लेना टस्क शेल होता है कि आया हुआ एग्जाम में खेटो ठीक अब बच्चे कहेंगे इसको याद कैसे करो हमसे नहीं होगा बेटा कुछ याद नहीं करना इसको बस रोज रोज़ देख लो जस्ट गो थ्रू इट जस्ट रीड इट इसको याद करने की कोशिश मत करो वो होता है ना किसी इंसान को तुम ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो दूर भाग जाता है तो उसी तरह किसी एग्जाम्पल को तुम ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हो तो वो याद नहीं होता है ठीक है तो, तो कोई को याद करने की जरूरत नहीं है इसको बोलो हम तुम्हें याद नहीं करेंगे और बस इसको देखते रहो और ये अपने आप तुम्हारे तुम्हें याद हो जाएगा ठीक है समझे समझे बातों को बच्चों जीवन में समय चलो लास्ट कर लेते हैं एकाइनोडर्मेटा फिर हम मेंटी करते हैं ठीक है एकाइनो करते हैं फिर हम मेंटी करेंगे क्या समय हो गया है हम्म, ठीक है बेटा चलो एकाइनोडर्मेटा क्या हो गया ये स्टार फिश वाला हो गया कौन हो गया यहां पे यहां पे आ जाते हैं बेटा स्टार फिश वाले कैसे स्टार फिश याद कर लो एकाइनो मतलब बेटा स्पाइनी स्किन अगर आपने स्टार फिश देखो ना स्टार फिश के ऊपर स्पाइन होते हैं ठीक है एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ एंड हेंस केम एकाइनोडर्मेटा एंडोस्केलेटन मतलब इनके अंदर कैल्शियम का स्केलेटन टाइप आने लगता है भैया ठीक है कैल्शियम का स्केलेटन है इनकी बॉडी पे स्पाइन होते हैं स्पाइनी बॉडीड आर कॉल्ड ठीक अभी, organ है है भैया लेवल पानी में पाए जाते हैं सॉल्टी वाटर अब बड़ा ध्यान से सुनो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो अडल्ट एखनोडर्म होते हैं वो रेडियल सिमेट्री होती है इनकी ये एक्सेप्शन है हमने बेटा जब से ट्रिप्लो होना शुरू हुआ जब से प्लेटीहलम हुआ उसके बाद हमने देखा सब बायलैटरल थे बट ये जो हमारा फ्रेंड है एकाइनोडर्म ये एडल्ट इसका रेडियल है जो इसका लार्वा है वो बायलैटरल है बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पे सवाल आता है एक्सेप्शन क्या एक्सेप्शन द ओहो पीठ में दर्द हो रहा है। यस गाइस क्या एक्सेप्शन है द Echinoderm, echinoderm, वो रेडियल है रेडियल मतलब उनको किसी भी एक्सिस में आप दो इक्वल पार्ट में काट कर सकते हो बट जो इनका लार्वा है वो है समझे वेरी गुड तो अगेन होंगे ट्रिप्लोप्लास्टिको है एग्जाम्पल देख लो बेटा एस्टेरियस और ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड माउथ वेंट्रल लोअर साइड पे मान लो मैं स्टार फिश हूं ठीक है चलो मैं नहीं हूं मान लो कोई स्टार फिश है ये स्टार फिश है ठीक है ये स्टार फिश है तो यहाँ पे इसका माउथ है ठीक है और यहां पे एनस है ऊपर की तरफ ठीक है ये है है तो माउथ नीचे की तरफ है, वेंटर मतलब फ्रंट यहाँ पे एनस है ठीक है बेटा देन प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोको मोशन है ना बेटा तो इसमें क्या है जो स्टार फिश है हमारी इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम है और वाटर वैस्पलोर सिस्टम है ये क्या बेटा देखो? देखो आपने कभी ना कार्टून वगैरह में देखा होगा स्टारफिश कैसे मूव करता है और ऐसे मूव करता है पानी को पंप करता है और ऐसे मूव करता है स्टारफिश ऐसे चलता नहीं है ठीक है स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट में जो उसका पिंक वाला दोस्त है उसकी तरह चलता नहीं है स्टारफिश ऐसे ऐसे जंप करता है ठीक है वो पानी को ऐसे पंप करता है हेल्प इन मूवमेंट तो ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक और कैरेक्टर वॉटर सिस्टम इज देन और yes, जब पानी उसके अंदर जाता है जब स्टार फिश के अंदर सारा पानी जाता है तो क्या करता है वो उससे ऑक्सीजन भी ले लेता है उससे फूड भी ले लेता है, है ना और उससे वेस्ट भी रिमूव कर देता है ठीक है नेक्स्ट रिप्रोडक्शन रिपोडक्शन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री लिविंग लार्वा हमने देखा है लार्वा इसका जो है वो बाइलेटरल है इसका लार्वा सिमेट्री है और इसका जो अडल्ट है हमारा वो क्या है इसका जो अडल्ट है वो हमारा भैया रेडियल है एग्जाम्पल एस्टेरिया स्टारफिश सी अर्चिन ठीक है देर एंटीडॉन सी लिली कुकुम्बरिया सी कुकुम्बर ऑफ यूरा ब्रिटल स्टार बड़े एग्जाम्पल याद कर लेना हमारी वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना ठीक अब बच्चे कहेंगे सर इसको याद कैसे करूं जैसे मैंने बताया बेटा इसको याद करने की कोशिश मत करो है ना <laughs> काश मैं तुम्हें कुछ अलग टिप्स दे सकता बट अभी मैं नहीं दे सकता यहाँ पे है ना तो होता क्या है जीवन में अगर तुम्हें कुछ चाहिए होता है बहुत तेजी से ठीक है अगर तुम्हें चाहिए होता है कुछ होता है ना कुछ चीज़ें तुम्हें लगता है कि यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए ठीक है तो होता क्या है तुम ना उसको ऐसे दिखाओ कि तुम्हें नहीं चाहिए देन यू विल एवेंचुअली गेट इट समझ रहे हो <laughs> ये बहुत बढ़िया टेक्निक है ये बता रहा हूँ मैं जब तुम्हें लगता है ना कि तुम जब तुम किसी चीज़ को मतलब तुम्हें अंटर से चाहिए होता है बट यू कन्विंस यूर सेल्फ कि तुम्हें नहीं चाहिए देन यू विल डेफिनेटली गेट इट ठीक है बेटा चलो समझ रहे हो तो इनको याद करने की कोशिश मत करो इनको बोला हम तुमको याद नहीं करना चाहते बट फिर भी देख लो समझ रहे हो दिस इज कॉल एज डबल ब्लाइंड बहुत अमेजिंग टेक्निक है ट्राई करना है ना चलो बेटा हैमी को बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे तब तक हम पहले जल्दी से मेंटी करते हैं हाय बेटा प्रंतिका नाथ सब्सक्राइब चैनल बेटा इट इज फर्स्ट सेशन आई होप यू लर्न समथिंग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ये देखो आदमी बहुत कैजुअल है आदमी को एनिमल किंग बहुत मजेदार लगता है रेडी गाइस जॉइन द मेंटी गो टू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मेंटी डॉट कॉम पुट द कोड सेवन एट थ्री एट जीरो एट सिक्स थ्री हाँ बेटा सृष्टि द सेशन का पीडीएफ भी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं डलवा दूंगा ठीक है बेटा ओके नेक्स्ट वन रेडी बेटा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है गिल्स और बुक गिल्स का ना वो आप एक बार इमेज देखोगे आपको समझ आ जाएगा गूगल इट आप इमेज देखना बुक गिल और गिल का आपको समझ आ जाएगा Come on guys, ready?

which has ability of regeneration exactly guys answer is planaria and dugesia next one

And exactly guys, answer is बच्चों अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनलिडा मैंने बताया था ठीक है, है ना? क्या है क्या था बेटा प्लाटीएल मिंथिस ए सिलोमेट एसकिट एंड लीडा यू सी ये तो पता था ये तो बहुत ही आसान था बेटा लेस देन फिफ्टी परसेंट मतलब जिंदगी तबाह होने वाला सवाल हो गया इफ यू स्कोर लेस देन फिफ्टी परसेंट इट इज जिंदगी तबाह करने वाला सवाल ऑलमोस्ट जिंदगी तबाह हो गई थी नेक्स्ट वन मैजिकल बीटीएस सौम्या सुनीति हैप्पी टीचर्स डे बेटा शाम्भवी अमृतसर सर इस सो प्रीति <laughs> मैं प्रीति हूँ <laughs> तो थे अब नीट बता सर नीट का डर लग रहा है बेटा देखो मैं बताता हूँ होता क्या है ना आधे टाइम द गेम इज जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस मैं बता रहा हूँ सच्ची बता रहा हूँ बस कॉन्फिडेंस के साथ गेम खेलो और पूरी मेहनत कर दो बस बाकी छोड़ो रिजल्ट के बारे में मत सोचो ठीक है ये हम लोग पता है क्या सोचते हैं हम बस सोचते हैं कि रिजल्ट आ जाना चाहिए सक्सेसफुल हो जाए नहीं आप बस हार्ड वर्क करते जाओ ठीक है रिजल्ट आए या ना आए उस पर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए जस्ट जस्ट पुट योर हंड्रेड परसेंट आई नो इट इज डिफिकल्ट बोलना आसान होता है बट दैट इज द वे गाइज मैं बता रहा हूं आप इतने कॉन्फिडेंस आपका कैसे बढ़ता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप ज्यादा मेहनत करते हो तो मेहनत करो एंड हैथिंग इज जस्ट गेम ऑफ प्लानिंग एंड कॉन्फिडेंस प्लानिंग कर ली 50 परसेंट डन कॉन्फिडेंट हो 80 परसेंट अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना बेटा जो सवाल आते भी नहीं है ना वो भी सही करके आओगे और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो जो सवाल आते हैं वो भी गलत करके आओगे <laughs> ऐसा कभी हुआ जीवन में आपको आपको आता था आंसर आपने मार्क करा सही फिर आपको अपने पे पर डाउट आया कि यार अरे ये तो नहीं ये भी हो सकता है तो आपने आंसर चेंज करा और वो गलत हो गया समझ रहे हो तो ये होता है कॉन्फिडेंस की बात तो हाउ डू यू गेन कॉन्फिडेंस बाय प्रैक्टिसिंग मोर मतलब आपके आपके मन में आना चाहिए कि यार अब इससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता था तो ऐसा होता है ये मैथ्स में बहुत होता है बच्चे पता क्या करते हैं एक सम कर लिया उसको बार बार देखते हैं कि मैंने सही तो करा है मैंने कहीं गलत तो नहीं करा और उसके एंड में क्या होता है उनका क्वेश्चन पेपर छूट जाता है और जो मैथ्स में कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं वो करते जाते करते जाते करते जाते वो दोबारा देखते ही नहीं है ठीक है तो वो वाला बच्चा बनो जो करता जाता है करता जाता है और देखता ही नहीं है मुड़ के ठीक है बेटा लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल हाँ हाँ ये हमारा तरीका है मोटिवेट करो और वीडियो को सब्सक्राइब कराओ लाइक कराओ कैसी लगी हमारी टेक्निक बच्चों <laughs> बेटा बारह तारीख को है नीट का पेपर आगे चलते लाइफ में क्वेश्चन नंबर थ्री फाइलमूज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट एंडोपैरासाइट कौन है प्लाटीएल एनेलिडा और मोलस्का ये तो बहुत ही आसान है बच्चों देखो अगर आप इमेजिन कर सकते हो ना इसको तो हो गया सवाल हो गया इफ यू कैन जस्ट इमेजिन इट कौन होगा प्लेटियन मिंथिस इसलिए तो कुछ पता होना भी जरूरत नहीं है यस yes, खत्म सब खत्म <laughs> yes, बेटा बेटा एन लीडा अर्थवम आपके अंदर थोड़ी ना रहता है अर्थवम लीच अंदर वो तो एक्टो पैरासाइट होता है ना लीच तो प्लाटियल है ना बच्चे टेप वर्म हुक वर्म ये सब प्लाटियल मिंथिस है कीड़े आपके अंदर थोड़ी ना रहते हैं स्नेल आपके अंदर थोड़ी ना रहता है मोलस का किसने टाइप करा था वेरी गुड बेटा बीटीएस सारांश अमृतसर इज प्रीति अच्छा यू मीन सो तो प्रीति ठीक <laughs> है बेटा थैंक यू मन वानी मैम का वेरी गुड बेटा हमने बता दिया बेटा डर का अगर जीत है डर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है इंसान को ही डर लगता है अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा मतलब तुमने मेहनत नहीं करी है गुड डर लगना अच्छी बात होती है प्राची ग्रेटो बेटा करमवीर बच्चा <laughs> मेरे बच्चे डॉक्टर ग्रेट जॉब कर्म करते जाओ चौथा सवाल जीवन में फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सप्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन बहुत ही मैंने बताया था ना एक्सप्रेशन पे सवाल आता है अर्थवम हुकवर्म वम राउंड टेप फ्लेम सेल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है राउंड वर्म टेप वर्म एग्जैक्टली गाइस द आंसर इज टेप वर्म है ना टेप वर्म में दिस थिंग इट इज देयर है ना दिस थिंग एक्सक्रीशन क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एसकैरिस एसकैरिस के बारे में क्या सही है फीमेल्स आर स्मॉलर दैन मेल्स पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल इज कर्व्ड डॉर्सली फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल्स फर्टिलाईजेशन इज एक्सटर्नल हाँ बेटा मार्च के अभी मैं ये इसके बाद एक ही तो चैप्टर बचा है हमारा इस चैप्टर के बाद हमारा बस बायो मॉलिक्यूल्स बचा है क्लास इलेवेंथ का टर्म वन खत्म फिर हम टर्म वन स्टार्ट कर देंगे टर्म टू स्टार्ट कर देंगे एग्जैक्टली exactly बेटा फीमेल्स आर लॉन्गर इन एस कैर मी बीटेस आर्मी ग्रेटर बेटा सारांश मन शाम्बवी चेतन अमृत सर डॉक्टर जय थेडार्स नीट का डर गुनगुन बेटा -गुन, गुनगुन नेक्स्ट वन छठा सवाल न्यूरल सिस्टम ऑफ सवालिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन ये तो मैंने बताया था फैसियोला एंड साइक्लोस्टोमा नेरिस्टेनिया मैं तो वो बन भी गया था यस yes, बहुत ही अच्छा सवाल है आसान सा सवाल है come on guys exactly guys the answer is nere is analida muta very good next one

दूसरा आता है नॉन कोर्डेट्स में से और तीसरा आता है कोर्डेट्स में से तो तीन पार्ट में डिवाइडेड है पूरा एनिमल किंगडम तो तीन से चार सवाल आते हैं मैक्स अरे यार कैसे कैसे होगा पोरी फेरा? अब कैसे होगा भाई हैं बताओ कॉलर सेल्स होते हैं ना पोरीफेरा में क्या होता है कॉलर सेल्स होते हैं ठीक है जो फ्लैजलेटेड होता है जिसमें जो कैप्चर करते हैं फूड पानी निकलता है तो फूड को कैप्चर कर लेते हैं याद है पोरीफेरा में कॉलर सेल्स होते हैं ये क्यों डाला मोलस्का कैसे हो गया को ये समझ जाओ पहले मोलस्का तो स्नेल वगैरह है उसमें मैंने इंटरनल कैविटी की तो बात करी नहीं जीवन में है ना उसमें फ्लैजिला की कहां बात हुई थी यस बताओ एक बात बताओ ये मोलस्का कैसे करा तुमने किस किस खुशी में मोलस्का को करा ये जो तीस बच्चों ने मोलस्का को चूज करा है क्यों करा <laughs> मोलस्का में कहा हमने इंटरनल कैविटी की बात करी कहा फ्लैजिला की बात करी बताओ कैसे क्यों किसी बच्चे ने धोखा करके आंसर दिया था क्या नहीं हम समझना चाहते हैं मतलब हमारी सच्चाई है हम सीरियसली मैं ट्रूली समझना चाहता हूं का क्यों किस किस दिमाग को इस्तेमाल करके क्या किसी बच्चे ने स्पैम कर दिया था क्या आंसर बी है मुझे लगता है किसी ने बी डाल दिया होगा चैट बॉक्स में ओके okay, चलो बेटा यही बात होती है जब दूसरा का चीटिंग करके आंसर करते ना तो ऐसा गलत हो जाता है आंसर इज पूरी खरा नेक्स्ट वन वो कहते हैं ना नकल में अकल चाहिए होती है बेटा बट बेड़ वहां पे फ्लैजला थोड़ी ना होता है मेंटल कैविटी में सारांश अमृत सर सो प्रीति बेटा प्रेटी थैंक यू वेरी मच <laughs> डॉक्टर जय बीटीएस आर्मी सांबवी थेदार नीट का डर साक्षी चेतन दवास मन ग्रेट जॉब बेटा नेक्स्ट वन मन नेक्स्ट वन हा हा कैसा लगा रहा है मी एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड काइटिनस एंड इट शेड्स एट एन इंटरवल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज नोन एज ऑटोटोमी मेटामरिज्म, एक्डिसिस, माउल्टिंग और एस्टिवेशन जो ऑर्थ्रोपॉड हैं अपना एक्सटर्नल स्केलेटन गिरा देते हैं जब वो बड़े होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है ऑटोटोमी मेटामरिज्म एक्डिसिस दैट इज मोल्टिज और एस्टिवेशन बताओ बच्चों इसका क्या जवाब होगा Exactly इट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग शेडिंग ऑफ द स्किन शेडिंग ऑफ द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज मोल्टिंग ठीक है बच्चों वेरी गुड बेटा लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं जल्दी से आपको विधान के जो नए ऑफर्स आए उसके बारे में बता देता हूं ताकि जो बच्चा यूज करना चाहता है उसको हेल्प हो जाए कहा है कहा है देखो बेटा देखो ये वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को है ना इसमें देखोगे बेटा देखो डीपीपी क्वेश्चंस है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और जैसा को पता है ये टर्म वन का क्रैश कोर्स मैंने बताया था फिफ्टी परसेंट ऑफ है आज और कल के लिए ठीक है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है लाइव इंटरेक्टिव कोर्सेस टेस्ट सीरीज असाइनमेंट नोट्स डाउट सॉल्विंग एंड एवरीथिंग है ना बेटा रिवाइज होगा एग्जाम के पहले भी रिवाइज होगा मतलब समझ रहे हो नवंबर यहां क्लासिक ऑल्सो आप क्लासिक लोगे ना बेटा लो तब भी इट इज ऑल्साउजेंड रुपीज क्लासिक में क्या होता है यू गेट एक्सेस टू द डाउट सॉल्विंग ऐप समझ रहे हो फाइव थाउजेंड रुपीज में यू गेट

मतलब आपको कभी भी डाउट आए उस पर वीडियो पे फोटो खींची और डाली एंड यू विल गेट एन इमीडिएट सोल्यूशन एक और दूसरा है प्रो सब्सक्रिप्शन इसके नीचे वाला अब ये ये क्या है है बेटा टर्म वन प्लस टर्म प्लस ना आप इसका मंथली सब्सक्रिप्शन आप ट्राई कर सकते हो फॉर थर्टीन हंड्रेड रुपीज ये जनरली ट्वेंटी थ्री हंड्रेड रुपीज का होता है इट इज अवेलेबल एज ऑफ नाउ फॉर थर्टीन हंड्रेड रुपीज एक्ट वेदांतु को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ठीक है थेके? अगर आपने कभी वेदांत एक्सपीरियंस नहीं करा है एक बार इसको ट्राई करके देखो थर्टीन हंड्रेड रुपीज एक मंथ का आपको एक्सेस मिल जाएगा उसमें आप पूरे टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्स आप महीने में पूरा सेशन कर लो मैं तो कहता हूं एक महीने में आप टर्म वन के सारे सिलेबस कर लो ठीक है चैप्टर वाइज कोर्सेज होते हैं उनको आप पूरा कर सकते हो देन अलॉन्ग ऑब्वियसली रिविजन कोर्सेज क्लास कोर्सेज सब होता है क्लासेस के पहले क्लासेस टेस्ट असाइनमेंट नोट्स डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास ठीक है ये ड्यूरिंग द क्लास होगा लाइट में क्लासिक में यू गेट एक्सेस टू द डाउट ऐप जो कि आपको इसमें नहीं मिल रहा बट वो क्रैश कोर्स में मिल रहा है ठीक है बट अगर आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए आपको चाहिए कि पर्सनल टीचर भी हो तो वो भी आपको यहां पे मिल सकते हैं है ना बच्चे तो बेटा आज और कल फाइनल ये है डे है क्या तो कहते हैं इस चीज का जो सेल है तो उसका प्लीज मेक यूज ऑफ इट जो भी बच्चे कभी एक्सपीरियंस नहीं कराए जस्ट हैव अ लुक एट इट एक बार एक्सपीरियंस करो एंड यू वुड डिसाइड फॉर योर अच्छा नहीं लगा तो फिर देन डोंट कम बट या वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट हमारे टीचिंग मेथड आपको यूट्यूब पर समझ आ रहा है ना तो एक बार वेदांत तो प्लेटफॉर्म पर आके देखो परफेक्ट लास्ट क्वेश्चन करें यस लास्ट क्वेश्चन करें गाइस ग्रेट तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा इज कटल फिश सिल्वर फिश पफर फिश फ्लाइंग फिश इनमें से कौन सा ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है यस गाइस ग्रेट बेटा सिल्वर फिश होती है ये एक इंसेक्ट है ये ना किताबों में होती है ना आपने किताबों में कभी आप पढ़ते नहीं हो बहुत सालों तक तब भी उसमें ना कुछ कीड़े लग जाते हैं दैट इज इज कैटल सिल्वर सिल्वर फिश फिश ओके एन इंसेक्ट याद रख लो ये याद कर लो इसके नाम में फिश है तो लगता है लोगों को कि ये फिश होगी बट ये फिश नहीं है ये सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट ये किताबों में होती है बुक्स वगैरह में होती है Okay. श गाइज बहुत ही बढ़िया बच्चा है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में हमारा नाम रोशन करेगा गुड मेरे बच्चे हमारा नाम रोशन करना ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी में थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अच्छे से करा बेटा आज का होमवर्क है आज का होमवर्क है समराइज करना आज हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा भी कहते हैं उसको हमने एनलीडा पढ़ा हमने मोलस्का मोलस्का पढ़ा पढ़ा है ना बेटा या पड़ा, और क्या पढ़ा हमने हमने एखाइनोडोमेटा पढ़ा तो इन सब का क्या क्या आपने पढ़ा इसकी समरी लिख देना कमेंट बॉक्स में बेटा समराइज करने से क्या होता है इट विल बी गोइंग डीपर इन टू योर ब्रेन ठीक है समराइज करना और उस, मतलब उससे उस आपको जो जो याद आता है वो लिख देना है ना उससे रिलेटेड जो जो याद आता है वो लिख देना उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म भी लिख देना जिसको आपने उसका हर हर का का एक एक होता है ना उसी तरह हर फाइलम का एक चुन लो और उसको याद कर लिया करो जब भी उसके फाइलम के बारे में बात होती है ठीक है बेटा एंड यस राइट डाउन योर ऑल्सो आ जाना हम लोग मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस करें आप 11th में हो तो कोई बात नहीं करो मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूँ